नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बी के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर बागपत उत्तर प्रदेश से। राकेश टिकैत के भांजे जितेंद्र चौधरी की पंचायत में एक युवक की बेरहमी से की पिटाई। देखिए हमारी रिपोर्ट। जनपद के थाना दोगढ़ कस्बा क्षेत्र में राकेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी की पंचायत में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। उसको इतना पीटा गया कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। युवक ब्राह्मण समाज से है, इससे ब्राह्मण समाज में गुस्सा है। समाज के लोगों ने आज घटना को लेकर जाम लगा दिया। दरअसल बड़ौद के सीमेंट कारोबारी प्रदीप आत्रे हत्याकांड में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए। मौजीदाबाद नांगल के प्रधान को छुड़ाने के लिए शुक्रवार को दोगढ़ कस्बे में भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी ने पंचायत बुलाई थी। इस दौरान पंचायत में शामिल कुछ युवकों ने के पास ही के सड़क से गुजर रहे मौजीदाबाद नांगल निवासी युवक सक्षम पंडित को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। अधमरी स्थिति में सक्षम को लेकर लोग सड़क से पंचायत में पहुंचे हैं। आपका? जी सर, रविंद्र शर्मा। क्या मामला हुआ जो पंचायत पर? पंचायत का मामला ये है सर, कल दिनांक 16/7/2020 को तकरीबन शाम 6 बजे मेरा छोटा भाई सक्षम पंडित में बड़ोद से किसी मेरी बहन के साथ थोड़ा विवाद चल रहा, उसमें तय ज़्यादा किस बड़ोद के लिए उसमें मैटर में कहीं गया हुआ था और गाड़ी ले रहा था किराए पर करके मास्टर रमेश चंद शर्मा के लड़के दीपक की। तो वे बड़ोद से पुष्पाया बामनोली कुसार होते दोगढ़ से हमारे गांव का रास्ता होकर आता है, वहाँ जा रहे थे। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी के आवास के बाहर शासन प्रशासन के खिलाफ पंचायत एकजुट थी। उसमें सक्षम की गाड़ी जो है वहाँ पर कुछ लोगों ने जो पहचान में आ रहे वीडियो से गाड़ी का उसने मोटरसाइकिल लड़ा ली, उसे दौड़ा दौड़ा कर पूरी तरह से पब्लिक उस पर टूट पड़ी, जिसमें सुमित गुज्जर किशनपाल का लड़का और विजेंद्र प्रधान वर्तमान प्रधान के भतीजे जिनका मैं नाम नहीं जानता, सकल से जानता हूँ, तो एक आज़ाद प्रधान विजेंद्र गुज्जर का भाई, ये काफ़ी लोगों ने उसे मारा, जो वीडियो हमारे पास मौजूद है। और हम उसे लेकर गए तो डॉक्टर कराए, उसके भयंकर चोट हैं। तो शासन प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन हमारी मांग नहीं सुन रहा, दबाव में दे रहा। हमारे मेरे भाई की हालत गंभीर है, अभी वो कलेक्ट्रेट बागपत में, उसके लिए अभी तक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस का जो भी आदमी वहाँ जाता है जब मेडिकल होता है वो भी नहीं भेजा गया। तो सर हमारी आपसे ये अनुरोध है कि इसमें जो भी हो सके उचित कार्रवाई करें, अगर नहीं होगी तो हम ऊपर अग्रिम कार्रवाई के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा, साथ सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्या नाम आपका? राजेंद्र सर। इल्म लगा रहे कुछ लोग, आरोप लगा रहे एक बार राजेंद्र के यहाँ कल सक्षम पंडित की पिटाई हुई पंचायत में, क्या मामला है? पंचायत में नहीं, एक यहाँ पंचायत से मिली थी कल। सक्षम पंडित भी कहीं से बाहर को घूम रहा था, उन्होंने 2-3 चक्कर बतावे यहीं को कुछ लगा रहा था, वो एक हथियार ले रहा था, उसे किसी को दिखा रहा था, डरा रहा था, कुछ भी ये कह रहा था, जो भी कुछ उन्होंने कोई डराया उन्होंने उसके साथ कुछ कवासुनी हुई होगी, धक्का मुक्की हुई, कहीं टरोड़े पड़े थे उन पर गिर गया, कुछ मारपीट हुई, वो फिर रुक कहा सुन गए, मैं भी गया, उसे फिर लाए पंचायत में, तो बाद में लाए उसे यहाँ से पानीपात के आ गए, पुलिस को बुला कर उन्होंने देख लिया था भाई थारा मामला है, अपना पुलिस का किस्सा है, उचित कार्रवाई। ठीक।